हेलो गाइस, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ कैसे किसी भी वेबसाइट को एक सुपर पावर्ड ऐप में बदल सकते हैं बिना प्ले स्टोर से डाउनलोड किए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्स के बारे में। सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस योर फेवरेट वेबसाइट्स को एक नए अंदाज में देखने के लिए? So what are progressive web apps? शुरू करने से पहले let's quickly talk about what PWAs are. Progressive web apps basically websites हैं जो native apps की तरह काम करते हैं। आप उन्हें अपने home screen पर install कर सकते हैं, वो offline भी चलते हैं और आपको push notifications भी भेज सकते हैं। इसका मतलब है आपको app जैसा experience मिलता है बिना play store से कोई भी चीज download किए। Now you might wonder why use progressive web apps. There are a few reasons why you might want to use PWAs. Firstly, fast loading. ये नॉर्मल वेबसाइट से काफी ज्यादा फास्ट लोड होते हैं, स्पेशली स्लो इंटरनेट कनेक्शन। सेकेंडली, ऑफलाइन एक्सेस। ये ऑफलाइन भी चल सकते हैं, विच इज ग्रेट फॉर टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। एंड लास्टली, पुश नोटिफिकेशन। ये आपको पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं बिल्कुल नेटिव एप्स की तरह। नाउ हाउ टू क्रिएट अ PWA ऑन क्रोम कैनरी 124। अब तक आप जान गए हैं कि PWA क्या है और ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलिए एक PWA बनाना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, URL बार में ये लिखो और इन्हें एक्टिवेट कर दो। स्टेप नंबर 2, अब वो वेबसाइट ओपन करो जिसमें PWA एनेबल है, जैसे कि विकिपीडिया। स्टेप नंबर 3, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करो जहां आपको ऑप्शंस दिखेंगे। स्टेप नंबर 4, सेव एंड शेयर को सिलेक्ट करो और फिर इंस्टॉल पेज एज ऐप को चूज करो। स्टेप नंबर 5, शायद आपको ये पूछा जाए कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इंस्टॉल XYZ ऐप पर क्लिक करो। बस आपने एक वेबसाइट से एक PWA बना लिया है। आप इसे अपने होम स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल दूसरी ऐप्स की तरह। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको क्रोम कैनरी पर आसानी से PWA बनाने का तरीका दिखा दिया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट करें #smarttricks PWA। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट ट्रिक्स।